안녕, 예수 아십니까? 김재입니다. 오늘은 성경책을 읽어드릴게요. 오늘의 기차에는 이거였어요. 스왑네 디크니 발라. 스왑네 디크니 발라. 아니, 여기. 읽어드릴게요. 빠르. याकूब के 12 पुत्र थे पर वो अपने पुत्र यूसुफ को सबसे ज्यादा प्रेम करता था। उसने यूसुफ को एक विशेष चमकीले रंग का अंगरखा दिया। यूसुफ के भाई उससे ईर्ष्या करते थे, उन्होंने उससे नफरत की। याकूब के 12 पुत्र थे पर वह अपने पुत्र यूसुफ की सबसे ज्यादा प्रेम करता था। उसने यूसुफ की एक विशेष जम्मू की ले रंग का कित अंग रखा दिया। यूसुफ के भाई उससे ईर्ष्या करते थे। उससे नफरत की। यूसुफ ने विशेष स्वप्न भी देखे। मेरे स्वप्न में हम खेत में पूले बांध रहे थे, उसने कहा, और तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को दंडवत किया। यूसुफ के भाइयों ने उससे और भी ज्यादा नफरत की। यूसुफ ने विशेष स्वप्न भी देखे। मैं स्वप्न में हम खेत में पूले बांध रहे थे, उसने कहा, और तुम्हारे पुले ने मेरे पुले की दर्द व किया। यूसुफ के भाइयों ने उससे और भी ज्यादा नफरत की। यूसुफ ने एक और स्वप्न देखा। सूर्य, चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे थे। उसके पिता और उसके भाई कुड़कुड़ाए, क्या तू ये कह रहा है कि तू हम पर राज करेगा? यूसुफ ने एक और स्वप्न देखा। सूर्य, चंद्रमा और गया हर थारे मुझे दर्द वत कर रहे थे। अपने पिता और उसके भाई कुड़कुड़ा एन क्या थू रहा कह रहा है कि तू हम
राजय करेगा। यूसुफ ने अपने पिता से क्या प्राप्त किया? रिबन। ओ ये एक दिन यूसुफ के भाई खेतों में उनकी भेड़ों की निगरानी कर रहे थे। उन्होंने उसे उनकी तरफ आते हुए देखा। उन्होंने उसे मार देने और उसके सपनों का अंत करने की योजना बनाई। एक दिन यूसुफ के भाई खेतों में उनके बैल की निगरानी कर रहे थे। उन्हीं ने उससे उनकी तरफ आते हुए देखा। उन्होंने उसे मार देने और उसके सपनों का अंत करने की योजना बनाई। मुझे भी नहीं हो छोड़े ही मुझे भी हो छोड़े ही मुझे भी नहीं हो भेजिए। हमारे भाई को मार देना गलत होगा, रूबिन ने कहा। आओ हम उसे खाली गड्ढे में डाल देते हैं। इसलिए उन्होंने यूसुफ का विशेष अंगरखा फाड़ दिया और उसे गड्ढे में फेंक दिया। हमारे भाई के की मार देना गलत ही का रूबेन ने कहा। आओ हम उसे खाली गड्ढे है मन लाल देते हैं। इसलिए उन्हीं ने यूसुफ का विशेष की केत अंगरखा फाड़ दिया और उसे गड्ढे में फेंक दिया। ओहन ये नंचका ने इस्माइली व्यापारी मिस्र की तरफ उनके मार्ग से गुजरे। आओ हम यूसुफ को इस्माइलियों के गुलाम के रूप में बेच देते हैं, यहूदा ने सुझाव दिया। इसलिए भाइयों ने यूसुफ को चांदी के 20 सिक्कों के लिए बेच दिया। इस्माइली व्यापारी मित्र की
आओ, हम यूसुफ की इश्माएलिया यूं के गुलाम करके बेच देते हैं। यूहन्ना ने सुझाव दिया, इसलिए बाइयां ने यूसुफ की चंदी 20 सिकरिंग के लिए बेच दिया। यूसुफ फाइलों का था। क्या यूसुफ के सभी भाई उसे मारना चाहते थे, हाँ या नहीं? भाइयों ने यूसुफ के अंगरखे को बकरे के लहू में डुबोया और इसे याकूब को दिखाया। मेरा पुत्र मर गया है, वो रोया। इसी दौरान यूसुफ को मिस्र में ले जाया गया, लेकिन परमेश्वर यूसुफ के साथ था। भाइयों ने यूसुफ के गीत रखा मैं डूबया और इससे याकूब की दियाया दिखाया, मोरा पुत्र मर गया है। वह वे या इसी दौरान यूसुफ की मीरत में ले जाया गया, लेकिन परमेश्वर यूसुफ के साथ था। मिस्र में इश्माइलियों ने यूसुफ को पोतीपर के पास बेच दिया, जो फिरौन का हाकिम था। परमेश्वर ने यूसुफ को आशीष दी और उसे सफल बनाया। पोतीपर ने यूसुफ को अपने पूरे घराने का अधिकारी बना दिया। मित्र में इश्माएलिये ने यूसुफ की पोतीपर के पास बेच दिया, जे फिन रे का हाकिम था। परमेश्वर ने यूसुफ की आशीष दी और उसे सफल बनाया। पोतीपर ने यूसुफ की के अपने पूरे घराने पर अधिक
कार्वी बाना दिया। परमेश्वर यूसुफ के साथ तब भी था जब वो मिस्र में गुलाम था, सही या गलत? सही। और ये ने उन्हें समझाया कि देखो आंधे तुमने और चश्मे हो कि मन था मैं तो बाय।